नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू कैलिबर अड्डा। मैं सुधा मिश्रा आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। हम सब पढ़ रहे थे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के कुछ नियम हम सब पढ़ चुके थे, कुछ नियम और बचे हुए हैं, वो नियम मैं आज आपको पूरा कराती हूँ। ठीक है, क्या है आज की आज का टॉपिक? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के हम नियम स्टार्ट करते हैं। विसर्ग संधि के अब जो नियम हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें कुछ चीजें हमको वर्णमाला की तरफ जाना पड़ेगा। फ्लैशबैक में ये शा शा और सा तीन नियम आते हैं। ठीक है, ये शा किससे बोला जाता है? तालु से, इसलिए इसको तालव्य शा बोलते हैं। इसको बोला जाता है मूर्धा से, तो इसको मूर्धन्य शा बोलते हैं। ये बोला जाता है दांत से, तो इसको दंत सा बोलते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ वर्णमाला में हमने जो चीजें बताई थी, वर्ग जो बताए थे, कवर्ग, चवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, इसमें जो प्रथम और द्वितीय वर्ण उनके थे क ख च छ त थ प फ टा ठा, ये वर्ण बताए थे। ये उसी हिसाब से हमने बताए थे, कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, होष्ठ से, उसी क्रम में हम इसका वर्गीकरण करते जाएंगे और उसी से एक दूसरे से कांटेक्ट करते हुए हम आपको ये बताते जाएंगे। ठीक है, अब हम इसमें पहला नियम बताते हैं। विसर्ग का श हो जाना। अब किस तरह से कांटेक्ट करेंगे वो हम ऐसे देखते हैं। शा शा तालव्य शा है हमारा, और इसमें तालु से वर्ग वाले में हम किसको तालु से बोलते थे? चा छा, ये तालु से बोलते थे। तो जो हमारे यदि, अब नियम हमारा देखिए कैसे हम कनेक्ट करते हैं। यदि विसर्ग से पहले, यदि तो हम लिख चुके हैं, कोई स्वर हो और बाद में हमारा तालु से बोला जाने वाला शब्द वर्ण च छ या श हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर है। ठीक है, स्वर हमारा क्या है? फार्मूला हम देखते हैं, जैसे उस फार्मूला है स्वर, आगे कोई है, फिर विसर्ग है, उसके साथ में च है, छा है या शा है, तो ये विसर्ग जो है इसका शा हो जाता है, बाकी के चीजें एज इट इज ही रहती हैं। ठीक है, अब हम उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण नंबर एक, जैसे हमने ले लिया दो प्लस शासन। ठीक है, तो दू हमारा देखिए स्वर है, प्लस क्या है? विसर्ग है। विसर्ग हमारा किसमें बदल जाएगा? शा में। बाकी की चीजें एज इट इज रहेंगी, यानी दू इसका हलंत हटेगा, आधे शा में आ जाएगा, बाकी शासन, ये हमारा दुशासन हो गया। हाँ, कुछ जगहों पे आपको दुशासन अपने उसी विसर्ग जो जो का त्यों रह जाता है उस रूप में दिखेगा, दुशासन। ठीक है, ये दोनों रूप सही माने जाएंगे। हम आपको दूसरा उदाहरण बताते हैं, एक उदाहरण और देख लीजिए। दूसरा एग्जांपल हमारा है नि प्लस चिंत। ठीक, अब यहाँ पे विसर्ग का क्या हो गया? शा हो गया, बाकी चीजें एज इट इज रह जाएंगी। तो
नीप और ष का हलन्त हटा आधे ष में आ गया और चिन्ह अपना रहेगा, ये आधा है इसलिए मैं आधे अक्षर को संभालने के लिए मात्रा इधर आ गई और चिन्ह निश्चिंत हमारा हो गया। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि चाचा या शाह के बाद कोई से पहल स्वर से पहल के बाद विसर्ग हो और उसके बाद चाचा या शाह में से हो कुछ तो विसर्ग का शाह बन जाता है। ठीक है, अब हम दूसरा नियम पढ़ते हैं। अगला नियम क्या कहता है? विसर्ग का शा हो जाना। अब देखिए ये नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले ई उ हो और बाद में क ख ट ठ प फ इनमें से कोई हो। ठीक, दंत से अभी जो बोले जाते हैं उनको हम अभी हटाएंगे, इसका हमने ले लिया, अब हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, इनमें से कोई हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। ठीक है, हम फार्मूला देखिए, छोटी ऊ है इसके साथ क ख ट ठ प फ, ये इसमें से कोई है तो यहाँ पे विसर्ग है, तो इसका विसर्ग का क्या हो जाता है? श हो जाता है। ठीक है, उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण हमारा है प्लस ठोर, यहाँ हमारा विसर्ग है, विसर्ग का क्या हो गया? श हो गया। ठीक, बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी, यहाँ भी यहाँ भी। तो ये देखिए ठा है, ठा हमने ले लिया, तो आगे देखिए ई है, ई की मात्रा नी, सा का सा हलंत के साथ रहेगा, हलंत हटा तो आधे रूप में आ जाएगा और ठोर निष्ठुर हमारा बन गया। ठीक, अब हम दूसरा उदाहरण काखा में से कोई ले लेते हैं। नी प्लस कपट। ठीक, अब विसर्ग का क्या बना? शा। ठीक है, तो बाकी चीजें एज इट इज रह जाएंगे, नी हलन हटा आधा शाह आ गया कपट। देखिए का का भी हमारा उदाहरण हो गया। अब हम ले लेते हैं पापा में से कुछ, देखिए नी प्लस फल, हलन हटेगा श आ जाएगा, बाकी चीजें एज इट इज रह जाएंगे, नी हलन हटा आधे में आ गया फल। ठीक है,
इस तरह विसर्ग का शा कैसे बनता है उसका उदाहरण हमने समझ लिया। ठीक है, अब हमारा क्या बचता है, दंत सा। विसर्ग का दंत सा कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। सा, विसर्ग का सा हो जाना। ठीक है, यानी विसर्ग के बाद अब देखिए दांत से हम कौन सा वर्ण बोलते हैं, ता था, तो विसर्ग के बाद ता था हो, तो विसर्ग का सा हो जाता है। ठीक है, किस तरह से होता है ये हम देखते हैं कि जैसे हमारा किसी में विसर्ग आया उसके साथ ता था या सा है, इस तो विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग हमारा सा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब कैसे परिवर्तित होता है ये हम देखते हैं। जैसे दू प्लस साहस, ठीक, तो ये विसर्ग जो है ये हमारा परिवर्तित हो गया सा में। ठीक, बाकी चीजें एज इट इज रह जाती हैं। तो दू का दू रह गया, सा का हलन थटा आधे में आ गया, बाकी पूरा साहस वैसा ही रह जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विसर्ग का सा कैसे बनता है, और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है नी प्लस तेज। यहाँ विसर्ग की जगह पे स हो गया, बाकी चीजें एज इट इज रह गई, तो नी स तेज, ये हमारा निस्तेज हो गया। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि जो दंत सा है उसमें दंत सा वाले पहले दूसरे वर्ण और सा, इन दंत सा, इन तीनों के विसर्ग के बाद रहने पे विसर्ग का सा ही हो जाता है। ठीक है, जब आप को रिलेट करके इससे पढ़ते हैं तो आपको देखिए बहुत इजी लग रहा होगा कि किस तरह से सा हो जाता है, और जब विसर्ग आप ये पहचान ले जाएंगे तो उन चीजों का आप संधि विच्छेद भी कर ले जाएंगे। ठीक है, इसलिए दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझने की जरूरत है, एक दूसरे से को रिलेट करेंगे तो चीजें जल्दी समझ में आएंगी। ठीक है।